हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीहूस किचन। आज हम बनाएंगे बहुत ही इजी और सिंपल वर्मीसेली उपमा की रेसिपी। तो चलिए देखते हैं इस आसान सी रेसिपी। तो ये बढ़िया सा इजी और क्विक वर्मीसेली उपमा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 2 कटोरी वर्मीसेली ली है, जो हर किसी के घर में आसानी से मिल जाती है। तो बस वही वर्मीसेली का इस्तेमाल मैंने किया है। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा 1 मीडियम साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज, 5 से 6 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 2 से 3 टेबलस्पून फ्रोज़न मटर, 2 से 3 टेबलस्पून पीनट, इसी के साथ 1/2 टेबलस्पून चना दाल, 1/2 टेबलस्पून उड़द दाल, 7 से 8 करी लीव्स बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 1/2 टेबलस्पून राई, 1/2 टेबलस्पून जीरा, थोड़ा सा हल्दी पाउडर हमें लगेगा और स्वाद के अनुसार नमक। तो सबसे पहले हम इस वर्मीसेली को रोस्ट कर लेंगे, जिसके लिए पैन ले लिया है। अब इसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून जितना घी। आप चाहे तो इसे तेल या फिर वनस्पति घी में रोस्ट कर सकते हैं। घी अच्छे से मेल्ट हो जाने के बाद हम इसमें डाल देंगे वर्मीसेली। तो फ्रेंड्स, इस स्टेज पर हमें गैस का फ्लेम बहुत ही लो रखते हुए लगातार चलाते हुए इसे भूनना है। तो इसे हमें बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है और ना ही हाई फ्लेम पर, लो फ्लेम पर हम इसे 1 से 2 मिनट चलाते हुए भूनेंगे, जब तक कि ये हल्का सा कलर चेंज नहीं होता। तो जब ये अच्छे से भून जाएगा तो इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा और बहुत ही बढ़िया खुशबू आएगी। तो अब हमारी वर्मीसेली भून कर हो चुकी है, इसे ठंडा होने के लिए साइड में रखते हैं। अब दूसरा पैन में ले लिया है, जिसमें मैं ले रही हूँ 2 ग्लास पानी। गैस का फ्लेम हाई कर देंगे और इस पानी को अच्छे से उबाल आने का वेट करेंगे। इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया है, इसको हल्का सा चला लेंगे। पानी में जैसे ही उबाल आ जाएगा हम इसमें डाल देंगे वर्मीसेली जो हमने रोस्ट करके रखी हुई थी। तो इस स्टेज पर गैस का फ्लेम हम कर देते हैं मीडियम, और मीडियम फ्लेम पर हम इस वर्मीसेली को हाफ़ कुक करेंगे, मतलब कि हमें इसे 90% कुक करना है, क्योंकि हमने ऑलरेडी इस वर्मीसेली को रोस्ट कर लिया है। तो मीडियम फ्लेम पर हमने इसे अच्छी तरह से कुक कर लिया। तो इस स्टेज पर गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देते हैं और इस वर्मीसेली को दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक छन्नी ले ली है और इसके ऊपर हम इस वर्मीसेली को डाल देंगे। नीचे हमने एक दूसरा बर्तन लगा लिया है, जिसमें से ये सारा पानी नीचे की बर्तन में जम जाएगा। ऊपर से हम हल्का सा ठंडा पानी डाल देंगे, ताकि इसका जो टेम्परेचर है वो जल्दी से ठंडा हो जाए, और लगातार चलाते हुए इसे ठंडा कर लेंगे। अब इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच तेल, जिससे कि ये वर्मीसेली एक दूसरे को चिपकेगी नहीं और बहुत ही खिली खिली बनेगी। तो ऐसा करने से ही हमारे वर्मीसेली का उपमा जो है बहुत ही खिला खिला बनता है। अब ले लिया है एक पैन, जिसमें मैं ले रही हूँ 2 चम्मच तेल। तेल की क्वांटिटी हमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। अब डाल देंगे राई, थोड़ा सा जीरा, इसी के साथ 1/2 टेबल स्पून उड़द दाल, 1/2 टेबल स्पून चना दाल। हमें इन सभी इंग्रेडिएंट को लो फ्लेम पर हल्का सा भूनना है। जैसे ही ये अच्छे से भून जाएगा, अब हम इसमें डाल देते हैं पीनट्स। तो मैंने 3-4 टेबलस्पून यहाँ पर पीनट्स डाल दिए हैं। वैसे तो पीनट्स और फ्रोज़न मटर डालना ऑप्शनल है, आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं। हमारे पीनट्स हल्का सा भूनने के बाद हम इसमें मिला देते हैं बारीक कटा हुआ प्याज और बारीक कटी हुई हरी मिर्च। इन दोनों को हमें ओवर कुक नहीं करना है, बस हल्का सा सॉफ्ट होना चाहिए, इतना हम इसे कुक करेंगे। तो गैस का फ्लेम हम लो ही रखेंगे। तो अब हम इसमें मिला देते हैं करी लीव्स, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और नमक हम डाल देंगे स्वाद के अनुसार, क्योंकि हमने वर्मीसेली बॉईल करते समय नमक उसमें ऐड किया था। तो वापस हमें इसे मिक्स कर लेना है। इस स्टेज पर आप इसमें टमाटर डाल सकते हैं, शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं, पत्ता गोभी भी डाल सकते हैं, लेकिन इन सारे वेजिटेबल्स को मैंने स्किप कर लिया है। आप चाहे तो आपके चॉइस के अनुसार ऐड कर सकते हैं। अब डाल देंगे फ्रोज़न मटर 3 से 4 टेबलस्पून और वापस हमें इसे मिक्स कर लेना है। इसे मिक्स हो जाने के बाद हम इसमें डाल देंगे वर्मीसेली जो कि हमने बॉईल करके रखी हुई थी, और ये अच्छे से ठंडा होने के बाद ही हमें इसे बनाना है, मतलब कि इसमें मिलाना है। इससे क्या होगा, हमारी वर्मीसेली उपमा जो है वो बहुत ही खिला खिला बनेगा। तो फटाफट लगातार चलाते हुए इसे मिक्स करते जाएंगे। अब हम इसमें मिला देते हैं फ्रेश धनिया और बिल्कुल थोड़ा सा लेमन जूस इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। आपके पास विनेगर है तो आप विनेगर का इस्तेमाल कर सकते हो। तो बस हमारा वर्मीसेली उपमा बनके तैयार है। फटाफट मिक्स कर लेंगे और गर्मा गर्म सर्व करेंगे, क्योंकि ये वर्मीसेली उपमा गर्मा गर्म खाने में ही बहुत मज़ा आता है। तो लीजिए फ्रेंड्स, इजी और क्विक बढ़िया सेवैया उपमा, मतलब कि हमारा वर्मीसेली उपमा बनके तैयार है ना, बिल्कुल खिला खिला। जब भी आप वर्मीसेली उपमा बनाओ तो पहले वर्मीसेली को बॉईल कर लीजिए, उसके बाद ठंडा पानी डालकर उसे अच्छे से स्प्रेड कर लीजिए,
उसे कम्प्लीटली ठंडा होने के बाद ही आप उसका उपमा बना लीजिए। इससे आपका उपमा जो है बहुत ही खिला खिला बनेगा, बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा दिखने। तो बहुत ही सिंपल सी रेसिपी मैंने आज आपके साथ शेयर की है। जब भी आपका मन करे कुछ हल्का फुल्का खाने का तो आप इसे ज़रूर बनाइएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।